Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Dev Maheshwar, Guru Sakshat Parbrahm, Tasmai Sri Gurve Namah. Premi Sajno, जैसा कि अभी महाराज जी ने कहा कि बिन सत्संग विवेक न होई राम कृपा सुलभ न सोई, तो ये सत्संग जो है पता नहीं कितने जन्मों के शुभ कर्म होते हैं तब जा कर के सुनने को मिलता है, और वो भी ऐसे महापुरुष का जो आपको इतनी सच्चाई के साथ ज्ञान देते हैं कि अगर आप गौर से सुनेंगे और समझेंगे तो आपका जीवन ही बदल जाएगा। लेकिन ये सदा से चला आ रहा है कि जब ऐसे सच्चे महापुरुष आते हैं धरती पर, बहुत विरले आते हैं, और दुनिया उनको पहचान नहीं पाती है, चूक जाते हैं। जब वो शरीर रूप में आता है तो बहुत कम लोग उनसे लाभ ले पाते हैं, और बाद में उनकी मढ़िया बनाई जाती हैं, समाधि बनाई जाती हैं, मन्नत मांगी जाती हैं, तो उससे उतना विशेष लाभ नहीं होता। मेरे कोई धर्म कर्म के संस्कार नहीं थे, बचपन से जो है सहेलियों से राम नाम के संस्कार सीखे, तो पता चला कि वो राम नाम जो है वो बहुत बड़ी शक्ति है, और वो हमारे अंदर है। महापुरुषों के पास भीड़ देखती थी तो सोचती थी कि इनके पास वो क्या अमूल्य खजाना है जो हमारे जैसे साधारण मनुष्य जो है उनको नतमस्तक होते हैं। तो उस चीज़ को जानने की बचपन से ये इच्छा जागृत हो गई। कोई मेरे शुभ कर्म थे, अनेक महापुरुषों के संपर्क में आई, लेकिन जिस सच्चाई के लिए मैं निकली थी वो सच्चाई मुझे कहीं नहीं मिली। महाराज फकीर चंद जी, जो कि महाराज जी के गुरु थे, उनकी पुस्तक पढ़ी तो सच्चाई पता चली। वहाँ आश्रम में गई तो वहाँ पर भी उनके दर्शन नहीं हुए, और इस तरह से कई महापुरुषों के संपर्क में आती रही लेकिन उस सच्चाई से दूर रही। और पहले जब जाती थी जिसको मानती थी, तो सत्संग में जाने से एक तो ये फायदा होता है कि कुछ न कुछ ज्ञान मिलता है, संस्कार मिलता है, और उन संस्कारों से हमारा जीवन बदल जाता है। जैसे सत्संग में मैंने बहुत सी बातें सीखी कि महापुरुषों के आशीर्वाद में बड़ी ताकत होती है, वो जो आशीर्वाद देते हैं वो बड़ा फलता है, तो उनके आशीर्वाद से मेरी दुनिया बन गई। कुल मिलाकर के, क्योंकि मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहती, कि पूरा सत्संग का जो सार महाराज जी के संपर्क में आने से, जिस चीज़ की तलाश में मैं निकली थी, वो महाराज जी के संपर्क में आने से मुझे उस चीज़ की अनुभूति हुई। पहली बात तो मैं ये बताना चाहती हूँ, जो मेरी भटकन थी वो महाराज जी के पास आने से समाप्त हो गई। गुरु मिले तो भ्रम नसाही, मेरे जितने धर्म संबंधी भ्रम थे, शंकाएं थी, वो सब दूर हो गई। और जिस चीज़ को मैं जानना चाहती थी कि वो परमात्मा हमारे अंदर है, जैसे अभी भजन चल रहा था, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, तो वो परमात्मा हमारे अंतर में किस रूप में है, वो मुझे महाराज जी के संपर्क में आने से उस चीज़ की अनुभूति हुई। और वो अनुभूति ऐसी गजब की है कि जिसको मैं शब्दों में तो बता ही नहीं सकती। उसका मैं आनंद लेती हूँ, कोशिश करती हूँ दोनों समय बैठने का, नहीं तो एक समय तो मैं ज़रूर लेती हूँ। और जब महाराज जी को देखती हूँ तो ये एक ही बात कहते हैं कि मैं उस धार के साथ जुड़ा रहता हूँ। तो मैं तो क्षणिक जुड़ती हूँ तभी मुझे इतना आनंद आता है, तो महाराज जी तो हमेशा ही जो उस धार के साथ जुड़े रहते हैं, उस परमात्मा की धार से ये अलग ही नहीं होते। तो इसलिए ऐसा महापुरुष जो है वो जो बोलता है वो संत समता में रहता है, वो उसी को संत कहते हैं। संत नाम जो है जो समता में रहे, जिसका मन जो है कभी भी डावाडोल ना हो, उसी को संत कहते हैं। और संत बोले सहज स्वभाव, संत का बोला वृथा ना जाए। ऐसा संत जो है अगर शुभ कर्मों से मिल जाता है तो आपका लोक और परलोक दोनों बन जाते हैं, क्योंकि पहले ये लोक बनाना जरूरी है। सत्संग से ये बात समझ में आती है कि ये लोक जो है आपके विचारों से बनेगा, जैसे आपके ख्याल वैसा हाल, जैसी आपकी मति वैसी गति। क्योंकि मेरी जो दुनिया बनी है, जितना भी मैंने जो चाहा है आज तक,
वो मैंने अपने विचारों से पाया है। ये इस बात का प्रमाण है कि आपके विचार में वो शक्ति है कि जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर आप एक विचार को बार बार चिंतन करेंगे और तहे दिल से उस विचार को करते रहेंगे और चाहेंगे तो वो निश्चित रूप से पूरा होगा। आज तक मैंने जो सोचा है वो पूरा हुआ है। दूसरी बात जो ध्यान की आती है वो किसी महापुरुष के संपर्क में आने पर ही करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है कई बार अगर हम खींचातानी करते हैं तो किसी तरह का विकार आ सकता है, बैलेंस बिगड़ सकता है। तो वो गुरु जो है बेहतर जानता है। गुरु ऐसा डॉक्टर होता है जो हर इंसान की प्रकृति देख करके उसको रास्ता बताता है, यानी कि सभी को एक ही मार्ग बताए। तो ये ऐसे महापुरुष हैं, किसी को दीक्षा नहीं देते, एक ही बात कहते हैं कि मेरा सत्संग ही नामदान है। क्यों कहते हैं कि सत्संग में ये वो बात बताते हैं जिससे आपका ये जीवन सुंदर बन जाएगा। आपके जो घरों में अशांति है, शरीर में, मन में, या किसी भी तरह की खटपट है, वो महाराज जी के सत्संग से शांत हो जाएगी। और जब आपका ये कोर्स पूरा हो जाएगा तो अगला कोर्स जो है बहुत आसान हो जाता है, बहुत सहज हो जाता है। इस लोक को बनाने के लिए आपको विचार करने पड़ेंगे और उसमें जाने के लिए सब विचार छोड़ने पड़ेंगे। तो ये बहुत जो है दो तरह का रास्ता है। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आप लोगों से यही प्रार्थना करूँगी कि आप महाराज जी के सत्संग को गौर से सुने। बहुत ही पहुँचे हुए महापुरुष हैं। अब 94 साल की इनकी उम्र हो गई है। क्यों आए हैं ये यहाँ पर? यहाँ प्रश्न होता है ये किस लिए आए हैं? बिल्कुल निस्वार्थ भाव से ये काम कर रहे हैं। और ये जो पुस्तकें आप सामने देख रहे हैं ये पुस्तकें भी मैंने ही बहुत ही आग्रह करके लिखवाई हैं। इन पुस्तकों में सभी शास्त्रों का निचोड़ है। और ज़्यादातर ये बल देते हैं कि जब ये 94 साल की उम्र में ये काम कर रहे हैं ज्ञान बांटने का, तो ये यही अपेक्षा रखते हैं कि इन पुस्तकों को गौर से पढ़ा जाए, समझा जाए और इस ज्ञान में सहयोग दिया जाए। जिसको भी समझ में आता है वो ये इच्छा रखे कि ऐसा सत्संग मैं भी कराऊं और ये पुस्तकें मैं भी बंटवाऊं, क्योंकि जो चीज़ आप दोगे वही आपको मिलेगी। ये इस संसार का जो है सिद्धांत है। तो अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए फिर से यही कहूँगी कि महाराज जी की वाणी को ध्यान से सुने और कुछ अपनाने की कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को प्यारी संगत जी, आपने डॉक्टर कमला जी को सुन लिया। सार के अंदर संक्षेप में इनने बात बता दी है कि विद्वान है थोड़े से शब्दों में, लेकिन ये जो समरी बताई जाती है सार चीज़, ये खास खास जो ब्रेन होते वो समझते, जो धर्म के बारे में खूब पढ़ते लिखते रहते हैं उनके पता है। खैर, इस बहुत अच्छा जो बोल रहे हैं वो सभी अच्छे हैं। अभी मैं आपको जो मेरा अनुभव वो बताऊंगा। मेरा कोई दावा नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, मेरा अनुभव है। ये हो सकता गलत हो, तो सब महात्माओं से मैंने प्रार्थना कर रखी है पुस्तकों में लिख के कि यदि मैं गलत हूँ तो कृपा करके मेरे को बता दो ताकि मैं बंद कर दूँ, ताकि लोगों का मैं भ्रष्ट नहीं करूँ। जो पुरानी लकीर है टूटती है इससे, लोगों की आस्था टूटती है इससे। पर मैं सच्चाई बतानी है तो आज सच्चाई जो है हर जगह की जरूरत नहीं है। पर क्योंकि मेरी उम्र ज़्यादा होगी और दूसरा मैं विद्वानों को देता हूँ, आप तो सबसे अच्छे हैं, ये सेठों का नगरी है पूरी या कॉलोनी और भले आदमी हैं सब, तो इन लोगों के लिए बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, कलेक्ट्री कोर्ट के वकीलों को देता हूँ, जजेज को देता हूँ, ये ज्ञान जो है सबको दे, जो आदमी हैं सब देता हूँ, और खासकर डॉक्टरों को देता हूँ। एक दो जगह डॉक्टर हैं वो काम करते हैं, जजों का काम जज हैं जो सेशन जज वगैरह वो काम करते हैं, जजों को ज्ञान बताते हैं, किताब देते हैं। तो ये ज्ञान यहाँ ही नहीं है, अब ये इंटरनेट पर चलता है सब जगह और सब देशों तक पहुँचा है। भारतीय जो विश्वास रखते हैं, जो देखते हैं वो देखते हैं। आप देखना चाहो देख लो, ये किताब है उसमें लिखे आखिरी captainlalchand.com। तो मेरे सत्संग आ जाएंगे 130 सत्संग बयानी से आ जाएंगे, आप गौर से सुन लो। और अगर आप कहते हो मनुष्य बनो captainlalchand.com, तो UK से एक डॉक्टर चावला जी निकालते हैं वो आ जाएंगे, फिर काफ़ी सत्संग आ जाएंगे। वेबसाइट देखना चाहते हो तो पूरी किताबों की सिर्फ 3W लगा के captainlalchand.com, तो मेरी वो पूरी पुस्तक आ जाएंगे आपके सामने। चाहते हो डाउनलोड के पढ़ लो, ये सही जगह पढ़ी जाती है। तो वो आगे ही बता दी, ये किताब लेके आया हूँ इनको आपके लिए। मैं बोलने के बाद इतनी किताबों को पढ़ो आप और फिर देखो
जो एक एक दो पढ़ते हो किताब ले जाना, पांच पांच सात सात भी आप पढ़ना, आपके नियर डियर को पढ़ाना, वो सब सबके काम की चीज़ है, बच्चों के, बेटियों के, बहुओं के, मैडम के, और वो घर के मालिक, सबके काम की, सबके काम की चीज़ है। और ये जो मैं अभी सत्संग आपको दे रहा हूँ, अगर पूरा दिल्ली वाला सब 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 मेरी बात को सुन सकते हैं, ये राष्ट्रपति तक ये तकलीफ है, ज्ञान जो मैं बोल रहा हूँ, जिस अज्ञान से मनुष्य दुखी है, तो राष्ट्रपति अपने देश का सब देश का ज्ञान में कि वो क्या सोचते, वो मैं भी बताता हूँ आपको। तो मेरी नज़र में सच्चाई क्या आई, सच्चाई कहाँ रही, भगवान किस जगह, इधर किसी गिरजा में है, किसी का तीर्थ में है, किस जगह पर है, मेरी ये अनुभव रहा है, पहला इस तरह साफ नहीं बताया कि वो परमात्मा इस लोक में अगर है तो मनुष्य के अंदर अंश रूप में, आपके अंदर सबके अंदर वो परमात्मा है, उसका अंश है, और जैसा आपके मनुष्य के अंदर है ऐसा और किसी के अंदर नहीं है, जैसे मनुष्य के अंदर है वैसा किसी जीव के अंदर यह नहीं है। तो मनुष्य में शक्ति क्या है, ईश्वरीय शक्ति है, मेरी बात को ध्यान दो, परमात्मा की शक्ति मनुष्य के अंदर है, आइए समझें, आपके अंदर है, आप ईश्वर अंश हैं, और आपके विचार में इतनी शक्ति है जो चाहो सो जाएगा, मनुष्य का विचार ने देखो कि विचार करा तो देखो ये कम्युनिटी बन गया, विचार करा तो लाल किला बन गया, विचार करा तो लाल किला क्या कहते वो इंडिया गेट बन गया, विचारों से पूरी दुनिया का जो भी निर्माण कार्य मनुष्य के विचारों से है। और जिस मनुष्य ने यह ख्याल किया मैंने करोड़पति बना अरबपति बनना है, तो वो अरबपति देख लो, आप कभी भी आते वो अरबपति वो है, और किसी चीज़ के अंदर जो कुछ चाहते हो आप मिल सकता, चाहे छोटा आदमी है विचार में शक्ति वो वैसे बड़ा बन जाएगा, छोटा आदमी है और वो बड़ा आदमी बन जाता है, नेता बन जाता है, यहाँ पर मंत्री बन जाएगा, प्रधानमंत्री बन जाएगा, राष्ट्रपति बन जाएगा, यह मनुष्य के विचारों में, आपके विचारों में। तो आपको करना क्या है, छोटी सी बात है, अगर मेरी बात समझ में आ जाए तो अपने विचारों को ठीक कर लेना। दो तरह के विचार हैं, एक है घटिया विचार जो हम गुस्से से करते हैं, ये गुस्से से जो बात करते हैं उसमें ईर्ष्या द्वेष नफरत होती है, इस विचार से ऊपर चल जाता है ब्रह्मांड में, आप चुपचाप सोचते हो जाते रहते हो, और वहाँ से जब वापस आएगा वो कर्म के उस वक्त उसी घर में आएगा जिसमें चला है, तो हमको भोगना पड़ता, वो बात सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, आपके विचार घर में पति पत्नी समझो, हम गृहस्थी हैं ना सब, तो मैं गृहस्थी वाली बात करूँ, हम आत्मा वाली बात नहीं कर रहा हूँ, पति पत्नी रात को बैठे खूब बातें करें राजी हैं, किसी बात पर पति ने कोई बात कह दी पत्नी को, किसी कारण से सुनी को कारण है, पति कहता है कि तेरा आपका भाई भी ऐसा ही है या आपकी माँ भी ऐसी है, ऐसा नाम लेते हैं वह दुखी हो जाएगी कि मेरी माँ का नाम लिया, मेरी माँ ने क्या किया, वह मन ही मन में सोचती है, कई तो आजकल वाद विवाद भी हो जाता, बराबर कर लेती है पत्नी, डोमिनेट कर जाती है, आदमी को नहीं बोलती, पर छोड़ो ज़्यादातर वो सहती और वो सोचती हैं कि इनने मेरी माँ का नाम लिया, ऐसा किया, कब ऐसी थोड़ी थी, वो नफरत से सोचेंगी, और वह विचार रेडिएट होकर ब्रह्मांड में चले जाते हैं, और ब्रह्मांड में उचित समय पर वो विचार वहीं आते हैं, एसी करंट की तरह, जैसे एसी करंट जहाँ चलता है वहीं आता है, तो विचार करता वहीं पर भी आता है उसी घर में, और आपके मन के प्रतिकूल घटना घटेंगी, उस विचार से आप जो भी विचार करते हो आपके मन के अनुसार नहीं होगा, आपके मन के प्रतिकूल होगा। जैसे आप गाड़ी रहे 10-15 लाख में कोई गाड़ी रहे नहीं गाड़ी है, अचानक आपकी गाड़ी टूट गया आप दुखी हो जाओगे, या कोई बीमार हो गया, कोई आपस में झगड़ा हो गया, कोई बीमारी आ गई आपको, जो डॉक्टर के पास जाते हो देखता है नॉर्मल और बीमारी कायम है, डॉक्टर जी को बोतियाबिंद हो गया इधर आपके कर्म के कारण, वो नॉर्मल कर देखते नॉर्मल और वो रोग शामिल है, ऐसी घटना तो घटी है अभी की घटना ही है, तो डॉक्टर खुद बताते हैं, मैं डॉक्टरों को ज्ञान देता हूँ, तो एक डॉक्टर बताया कि मेरे ये तकलीफ थी और मैं गया डॉक्टर उसके दिखाने के लिए, तो डॉक्टर ने कहा टेस्ट करा लो, मैं टेस्ट करा लिया, तो टेस्ट के अंदर वो कोई नहीं आया, तो डॉक्टर ने दिखाया बोलता नॉर्मल, उसने लिख दिया नॉर्मल, बात खत्म, और 2-1 साल दवाई रखी, फिर और तकलीफ होने लगी, फिर और गया वो गोली गाली देता रहा कुदरत की, फिर कहते 10 साल गुजर गई, 3 टेस्ट कराए मैं, 3 के अंदर नॉर्मल, 4th टेस्ट रोहतक में जाके खड़े कराया, और कोई डॉक्टर था देख करके, डॉक्टर बोला भी तेरे थोड़ी सी एक छोटी गांठ है भाई, गुर्दम है कहाँ है खट किसी का गांठ है छोटी सी, और वो गांठ जो है मैं दवाई दूंगा, शायद दवाई से अगर मिल्ट हो जाएगी तो ठीक है,
और नहीं तो फिर ऑपरेशन का मामला है, मैं देखूँगा यह गांठ है। बोले ठीक है। बोले मैं कई बार दिखाया है पहले भी साहब। बोले कहाँ दिखाया है? बोले मैं कई दफ़ा स्पेशलिस्ट को दिखाया, टेस्ट कराया यहीं पर। तो बोले वो एक्सरे लेना मेरे पास। तो कहता मैं देख के डॉक्टर साहब उसके पास गए कि ये है, उसने देखा कि ये तो हाजिर है, वो नॉर्मल लिख दिया डॉक्टर साहब ने, ये तो हाजिर है अभी। इसका मतलब क्या कि उसका वो कर्म था, जब तक वो कर्म है नहीं उतरता असर तब तक के लिए बीमार होते। यानी मतलब कोई भी जो काम आपको इस लोक में घटता है, आपके घटिया विचारों से जो कर्म बने हुए हैं वो जो पिछले जन्म के भी हैं और अभी भी बनते हैं। पिछले जन्म के थे वो तो भोगने में आए हैं सब के सब, तो पिछले जन्म का भी सत्संग नहीं दे रहा हूँ मैं, इस जन्म के लिए कह रहा हूँ। इस जन्म में अभी जो आप सोचते हो वही होता है। अगर अरबपति बनना चाहते हो तो अरबपति बन सकते हो, आपके विचार में शक्ति है। और कोई राजनेता बनना चाहते हो राजनेता बन सकते हो। और आपके सामने उदाहरण है, यहाँ पर मैं ज़्यादा उदाहरण नहीं दूंगा, आप देख लो। अभी जो नेता हैं वो कहते हैं, कई कहते हैं कि साहब मैं चाय पिलाता था लोगों को, और आज प्रधानमंत्री साहब हैं। प्रधानमंत्री साहब इतने सच्चे आदमी हैं, मोदी जी कहते हैं कि मैं चाय दिया करता था, चाय ले लो चाय ले लो, चाय दिया करता आज प्रधानमंत्री हूँ। ये आपके सामने प्रमाण है। मतलब कहने का यह कि जो इतना छोटा आदमी है जैसे घूमता है, और टिकट ले रही वो बन गया MLA बन गया, फिर MP बन गया, कुछ बन गया, मंत्री बन गया, आगे बढ़ते बढ़ते मुख्यमंत्री बन जाता है। साधारण आदमी से तरक्की हो जाती है। तो मनुष्य चाहता वो बन सकता, आपके विचार में या सकती है, आपको पता नहीं है कि किस वक्त क्या विचार सोच रहे हो। अच्छे विचार सोचते हो तो ठीक है, और जब घटिया विचार सोचोगे तो उसका फल जो आपको भोगना पड़ेगा, इधर ये भी भोगेगा, अभी नहीं होगा, जमा हो जाता अगले जन्म में होगा। अगर इस बात का पता पड़ जाए आदमी को, ज्ञान हो जाए, तो वो घटिया बात करेगा नहीं, सोचते फट बोले क्या करता हूँ। जैसे इधर आग रखी है, आप आग के अंदर पैर नहीं दोगे, जानते हो पैर देने से जल जाएगा, जो ज्ञान है आपको। इसी तरह से अगर आपको यह ज्ञान है कि मैं जो घटिया सोच रहा हूँ इसका फल भोगना पड़ेगा, तो आप घटिया काट दोगे। मैं क्यों सोचूं, करेगा सुभरेगा, आइए समझ। छोटा सा इलाज है, विचार में शक्ति है, जो घटिया विचार उनसे दुख है, तो बढ़िया विचार उनसे सुख है। तो हमेशा सुंदर सुंदर विचार रखो। धर्मेश को कह शिव संकल्प मस्तु, ए मनुष्य तो सुंदर सुंदर बात सोच, तेरी दुनिया सुंदर बन जाएगी। और घरों के अंदर जिसमें शांति है, प्यार है, कोई रूठता नहीं, खुश हैं, संभाली फेस रहते हैं, उस घर में कोई तकलीफ नहीं आती, उस घर में कोई तकलीफ नहीं आती। गोस्वामी तुलसीदास रामायण में कहते हैं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जिस घर में संपत्ति प्रेम है तो वहाँ कोई गाड़ी घोड़ा मकान दुकान तरह सब संपत्ति। और जहाँ कुमति रुस्सामनी है, नाराजगी है और घटिया सोचा जाता, वहाँ विपत्ति ना दाना, तरह तरह की विपत्ति है। अगर बहू रूठ गई रूसे रूठ की सो गए अब बुरा सोचेंगे, बेटा रूसा सोते अब तो बुरा सोचेंगे, आप खुद रूठे हो तो बुरा सोचोगे। और वो बूढ़े बुजुर्ग आते हैं आके बैठ जाते हैं, बोलने को नहीं ऐसे बैठे रहते, कुनीन खड़े एक तरह से बैठे रहते। अब वो देखते हैं उनको कई बात दसती नहीं, तो वहाँ से वो सोचते हैं ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, मेरे को नहीं पूछता, वह विचार ऊपर जाते हैं घर में आता है। आइए समझ बात। तो ये हमारी रोज रोज की हालत है। तो दुख नाम की चीज़ नहीं है इसको, आप तो ईश्वर हो, ईश्वर को कहाँ दुख है, ये अज्ञान का दुख है आपको। और आपको एक को नहीं पूरे मनुष्य, अब मैं कहता हूँ ये बात जो मैं बता रहा हूँ, अगर पूरा पूरा दिल्ली के लोग सब सुन लें, सब टोटली, तो सब सबका ये दुख है। कोई मैं पहले राष्ट्रपति के पास रहा हूँ, राजेंद्र प्रसाद जी के पास में, सेना का अधिकारी हूँ, लाल किले वाला स्टेशन था, हम जाया करते थे राष्ट्रपति उन्होंने ड्यूटी होती थी महाराज में, तो मैं देखता था लोग आते थे मिलते थे सब कुछ होते थे बातें करते थे। और जब उनको दमा चढ़ता था, दमा चढ़ता था, जी घबराता था, कपड़े निकाल के फेंक देते थे। तो मैं सोचता राष्ट्रपति साहब इतना बड़ा, सब सलाम सूट करते हैं इसको, और ये दुखी, ये तो बहुत दुखी है, जी निकल तैयार हो रहा है, समझे बात। तो मतलब क्या है, ये अनुभव है कि कोई भी आदमी छोटे से बड़े तक जो तकलीफ दुख है सबको, और वो कोई तो बता देता, बड़े आदमी दबाए फिरते। जो बड़े बड़े आदमी दिखे हैं, गुरु नानक देव कहते हैं बड़े बड़े जो दिस हैं लोग, तिनको व्यापक चिंता रो। जो ज़्यादा धनी है आपने देख लिया, नोटबंदी में थोड़ा देख लिया ना, गड़बड़ ज़्यादा दाम था, क्या तो ही रखने जगह को नहीं मिली। तो कहते एक्सेस ऑफ एवरी थिंग बैड। तो बात क्या है कि इसमें ज्ञान होना चाहिए। तो आपके विचार में शक्ति, अगर ये मेरी बात समझ में आ गई, तो आज से व्रत कर लो, हजार व्रत के बराबर एक, कि आज से आगे मैं कभी नाराज नहीं हूँ। जो कोई नाराज हो तो मेरे को कुछ अपशब्द कहता है तो बोलो एक दौर कह लो, पति कह दे, दूसरा कह दे, पड़ोसी कोई बात कहता है घटिया, तो बोले भाई तेरा जी अड़का हो जाए और बोले एक दो, क्योंकि आपने सहन शक्ति आ गई। और वो बोले उसका मुँह फीका,
बोले आप उसको पाप वो पाएगा, आपने स्वीकार नहीं किया उसको, आपने तो खुशी ले लिया कि चलो कोई अच्छी बात है। इसलिए आप अगर ये व्रत कर लो कि मैं कभी रूठ हूँ नहीं बिल्कुल घर में, तो घर में स्वर्ग आ जाएगा, शांति हो जाएगी। को रूठने से घटिया विचार बनता है आप, अरे ऐसे तो आपके बच्चों का अभी मानते कोई मौका का मेरा हो सत्संग सत्संग कर लो, कोई नहीं मानता वो वगैरह वो समझ लेगी। विचारों को ठीक कर लो एक बात, दूसरी बात यह इसको ज्ञान नहीं है। क्या है आप गुरु, गुरु तो करते हैं, गुरु को जानते क्या क्या गुरु है, क्या गुरु ज्ञान है। तो पहला ज्ञान यह है कि पहला गुरु कौन है इस मनुष्य का, बच्चा पैदा होता है तो गुरु माता गुरु पिता माँ बाप गुरु है। अब वो माँ बाप को जो तक बच्चा रहता तब तक तो करते हैं, बड़े होने के बाद भूल जाते हैं। आप मेरी तरफ देखो, इधर उधर मत करो मन, ये तो बात आपकी एकाग्रता नहीं है। अभी जो कहता उसकी तरफ देखने लग जाते हैं, तो सत्संग नहीं सुना जा रहा है, आपको पता नहीं है। तो ये कह आश्रमों में ये सिखाया जाता है, आश्रम के गुरु जो हैं वो मेरे से अच्छे हैं, ताकि वो बताते हैं सामने देख एक जगह देख सत्संग ठीक सुने, क्योंकि मैं जो बात करता हूँ तो निकल जाएगी। तो मैं क्या बताया, आपके विचार में शक्ति है, दो तरह विचार, घटिया विचार से तो आपको दुख है करके माँ जो तकलीफ परेशानी है वो है, और दूसरी बात यह कि हम अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते, माँ का बाप का दादे का दादी का। तो बड़े का जो सम्मान जो करते हैं वो क्या कहते हैं, बाअदब बा नसीब, बेअदब बे नसीब। सम्मान करता है वो धनवान बनता है, क्योंकि आशीर्वाद मिलते हैं, समझे ना बात। तो पहला सम्मान तो घर में ही करो, आप सब सज्जन आदमी हो, सेठ होगा सत्य गए बड़े आदमी ही है, धनवान है, कोई शुभ कर्म करे हुए हैं। तो कितने के जो आपके माँ बाप को सुबह के टाइम पर चरण स्पर्श, माँ बाप तो सबके हैं, तो जब तक माँ बाप जिंदे हैं चरण स्पर्श करो, उनसे आशीर्वाद लो, पहला गुरु यही है। अरे उसको ही नहीं जानते फिर आपको कौन जानेगा, ये तो गिव एंड टेक का सिद्धांत ही, साथ से दौरे से ले लो। हम अगर अपने पिता का माँ का सम्मान नहीं करते तो हमारा कोई सम्मान नहीं होगा, समझेगी नहीं बात। छोटे बच्चे जाता हूँ यूनिवर्सिटियों में जाता हूँ, कॉलेज के लड़के लड़की मिलते हैं मेरे को, और आजकल जो हालत है बच्चों की मेरे को मालूम है। तो मैं बताता हूँ कि बच्चों तुम यहाँ पर ही अल्लाह 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 कर नहीं आए हो, तुम्हारे बाबा आपने तुमको पढ़ने के लिए भेजा है, एजुकेशन लेने के लिए, क्या कर रहे हो तुम, बहुत तकलीफ पाओगे तुम, दुख पाओगे, परेशान होगे तुम्हारी जिंदगी, चाहे तुम कुछ IAS बन जाओ, IPS बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, धूल चाटोगे, तकलीफ पाओगे। तुम अपने माँ बाप का सम्मान करो, तुम्हारे माँ बाप ने पढ़ने के लिए भेजा, तुमको क्या खरीद रहा करके तुम यहाँ पर प्रेम नगरी बताते हो, बेवकूफ़ हो, ये बात बताता हूँ। और फिर इंदिरा गांधी मिसाल देता हूँ, इंदिरा गांधी एक फिरोज था यहूदी, फिरोज गांधी, वो उससे प्यार करने लगी, तो इंदिरा बोली मैं तो इससे शादी करूँगी। नेहरू जी कैनेडा गया, ये बेटी क्यों बदनाम मेरे को करी है, मैं ब्राह्मण हूँ पंडित हूँ, और पंडित की लड़की है, तू क्यों जा रही है, वो यहूदी वह मांस दारू सब कुछ करते खाते हैं। बोली मैं करूँ तो यहीं करूँगी, अब इकलौती लड़की थी, लाडली थी, माँ थी नहीं, पंडित जी बहुत दुखी थे। तो गांधी जी जो थे राजनीति में इकट्ठे थे, महात्मा गांधी बोला भाई सुन तेरे नाम से चलता ना, बोले हाँ, बोले तू छोड़ इसको मेरे गोत्र मिला दे, या इंदिरा गांधी और ये फिरोज गांधी मैं कर देता हूँ, पॉलिसी मैटर से शादी तो कर दी भाई तरीके से, और फिर पूरी जिंदगी दुख पाई। थोड़े से दिनों के बाद वही फिरोज गांधी उसके खिलाफ अखबारों में निकालता, ये रंडी है, ये फलानी, ये बड़े बुरे बुरे शब्द निकालता रहा पूरी उम्र, और उसी के कारण वह जेल गई, कदे कुछ हुआ कदे कुछ हुआ। आखिर उसका अंत क्या हुआ, अंत यह हुआ कि उसको ऐसी मौत मारी जो कुत्ता को नहीं मार सकते, टट 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 उसकी गाड़ में। इसलिए बच्चों को यह बात बताता हूँ यूनिवर्सिटी में कि तुम माँ बाप को छोड़ के रहे, तुम उसको पढ़ाया है पढ़ाते हैं, तुम उनकी बात ही मानते हो, वो किसी लड़की है, लड़की किसी की है, लड़का किसी का है, जाती है, संस्कार नहीं मिलते। तो बच्चों को ये संस्कार देता हूँ, ये वजन नहीं बताता हूँ, और तुम चरित्र को ठीक रखो, ब्रह्मचारी है तुम्हारा जीवन है तो ब्रह्मचारी का पालन करो, यानी मुझे जैसा आदमी आता है वैसी शिक्षा देता हूँ। तो आप इससे आगे निकल गए, तो आगे की आपको बात कहता हूँ कि आप लोग अभी पता है कि टाइम होगी, सब देख लिया जो कुछ काम, अभी आप अपना अगला मंजिल बुआर आगे का रास्ता साफ करो। क्या यहाँ कुछ नहीं आपका, जो कुछ सब कुछ है, और हवा निकली इधर रह जाएगा सब, अगर ये बात भूलिया आदमी को इस बात का ख्याल नहीं, बहुत अब डरता नहीं, मरने वाला होता, लड़ाई झगड़ा कर लेता, रजिस्ट्रा करता, अडवेस करता, उसको ये पता नहीं कि चार दिन की जिंदगी है, क्यों ऐसे कर रहा है, ये अज्ञानी है, अज्ञान आदमी को। अरे सबको देखता मरते, और आदमी को देखता जवान भी चले जाते, अपना पता नहीं है। ज्योतिषी ज्योतिष कहते हैं वो ठीक है, ज्योतिषी मेरे चेले हैं सब, बहुत से ज्योतिष मेरे बात करते हैं, बोले क्या मानते हो कैप्टन साहब, भाई मैं तो नहीं मानू, क्यों, मैं कहा वो कर्म है, वो क्या कहते ज्योतिष है, वही तो ग्रह है, वही कर्म है, वही भावी है, वही होनी है, उसका नाम बता रखे है लोग,
तो फिर तो आप ज्योतिष क्यों नहीं मानते? मैं इसलिए मानता हूँ कि जहाँ से ज्योतिष का ग्रह शक्ति लेता वहाँ से मैं सीधी लेता हूँ, जिससे वो बन के आया है ना ग्रह उसी से मुतालिक है। और इसको ये बताया है कि वो उसको तो ध्यान करता है जो ये सब का सब झूठा भरम में काय को खपना गहोरे मन नाम की शरण, नाम मानी उसको उसके साथ ताल्लुक जोड़ दिया डायरेक्ट, तो वो बांध जाते फिर नहीं होते। मैं पूछ लेता हूँ कि तुमने ग्रह देखा तुम्हारी लड़की कैसे हुई, विधवा क्यों हुई, तो वो कान पकड़ते कैप्टन साहब ही हो जाता है। तो कुल कहने का मतलब आपको ये है कि आप अपने विचारों को ठीक कर लो, और दूसरा जो बच्चे हैं अपने बच्चों को शिक्षा दो, आप गुरु हो, और इस जमाने पर बड़ी भारी हेरा फेरी चल रही है बच्चे, तो बच्चों को नज़र रखो कि संगति जब बच्चे करते हैं बता दो बेटा इस बात को मंजूर नहीं करूँगा मैं, बच्चे को शुरू से बता दो ताकि बच्चे को समझ आ जाए कि मैं नहीं करूँगा। अभी आप खुश हो रहे जी ऐसे ही हो रहा है, ये तो वेस्टर्न कंट्री पैटर्न है, इंग्लैंड वगैरह उन देशों का है, इन अंग्रेजों के लिए कोई जाति ने ब्याह शादी करा, लड़की दो साल एक के पास रही, छह महीना दूसरे के साथ रही, तीसरे के साथ रही, पांचों साथ कितनी शादी कर लो उनका कोई परवाह नहीं। राष्ट्रपति कनेडी के डेथ के बाद उसकी औरत ने 17 शादी करी, राष्ट्रपति था 17, तो क्या उस देशों में तो गिनती नहीं है, लेकिन हमारे तो जड़ है इसकी, हमारे तो ये ब्याह शादी करी आप जिंदगी है, और उसकी इज्जत होती है लड़की की ब्याह शादी के बाद, उसके बेटे करते हैं, पोते करते हैं, दूसरे करते हैं, और वो उन देशों का कोई जीता बात ही को नहीं। 50-60 साल का हो गया, ज़्यादा बीमार होगा हॉस्पिटल में चले जाओ, नर्स वगैरह दवाई देते पड़े रहता चार भाई, कोई बच्चे नज़दीक को नहीं आते हॉस्पिटल के। तो हमारा कल्चर वो नहीं नहीं है, भारतीय कल्चर अलग है। भारतीय कल्चर के अंदर पहले गुरु माता गुरु पिता, तो माँ बाप की जो बच्चा नहीं मानेगा अंत में दुखी होता है कोई भी होता है। तो पहला काम ये है तो अपने बच्चों को शिक्षा दो, चाचा जी आगे चरण स्पर्श करो आशीर्वाद लो, दादा जी आगे आशीर्वाद दो ये लो, और फिर बच्चों को शिक्षा दो ताकि लाभ रहेगा वो बच्चे अच्छे रहेंगे। दूसरी बात ये आपको एक अज्ञान और है कि ये ब्याह शादी किस लिए होती हैं, पहले भी ऋषि मुनि भी थे वो ब्याह शादी करते थे, क्यों होते हैं ये? इसलिए होते हैं कि हम इकट्ठे रहें और अपनी जैसी एक संतान पैदा कर ली, साथ हो जाए, पहली पत्नी का हो जाए फिर आगे बच्चे बच्चे को हो जाए, एक दो बच्चा पैदा कर ली। बच्चे पैदा करने के लिए तो गृह सोने जैसी चीज़ है ये कामुकता, बच्चे पैदा करने के लिए तो काम अंग बहुत सुंदर है, और स्वाद के लिए जो काम अंग भोगते हो वो आपकी शक्ति निकल जाती है ब्रह्मचर्य की। एक दिन भोजन हजम होगा तो एक बूंद खून की बनेगी, 40 दिन के भोजन से 40 बूंद खून की इकट्ठी होंगी, और खून के अंदर किणु होते हैं, और फिर वो जो 40 बूंद आगे ऊर्जा की जो है वो उसके 40 बूंद से एक बूंद बीज की बनती है, एक जो शक्ति देती है, और वो इतनी ज़बरदस्त है कि जब तक वह रहेगी तो लड़का है तो खेलेगा कूदेगा कुछ किस करेगा खुश रहेगा हमेशा। आप कभी भी बूढ़े नहीं होगे अगर संतान के लिए ग्रस्त भोगते, हम रोज रोज का ग्रस्त भोगते हैं और दोनों की आत्माड़ी होती थी। यह अज्ञान मनुष्य को है, पूरे मनुष्यों को सबको है अज्ञान है, इससे मर जाते वो संतान उत्पत्ति के लिए। अरे जानवर देखो, गाय भैंस देखो, अगर गाय की इच्छा होगी तो सांड पास जाएगा देख ले सूंघ लेगा ना, और आदमी तो हमारी की हालत देख लो पेट में बच्चा है और कुछ है ग्रस्त भोगते हैं, इसका ज्ञान है सबको टोटली आदमी को। अगर ये बात समझ जाएं तो आपकी लड़ाई कभी होगी नहीं, पति पत्नी अगर बस चीज़ को नहीं खोते हैं शक्ति रहेगी, मौत तो आएगी एक दिन पुराना होने के बाद, लेकिन आप ये नहीं कहो हाय बूढ़ा हो गया हाय ये हो गया हाय नहीं करोगे, क्यों? ज्ञान ले लोगे गुरु के पास से, ज्ञान ले लोगे क्यों होया ये आपको पता है इसलिए होया, तो कोई दोष नहीं, समझे बात? तो अभी ज्ञान की टाइम है आपकी, आप ज्ञान दे दें तो आपको सब ज्ञान का क्या चीज़ ज्ञान दे मिलेगा। मैं पहले बता दिया कि आप ईश्वर अंश हो, आप में ईश्वरीय शक्ति है, दुनिया की चीज़ हमने सीख ली, सब जगा ली टेक्नोलॉजी ये नई चीज़ कर ली, अपने आप का किसी ने पता नहीं अभी, ये ज्ञान है। अध्यात्म में मनुष्य पता नहीं क्या क्या चीज़ सीख गया, जो सोचता है उसकी बुद्धि इतनी तेज है वो नहीं सूझेगी, इधर ध्यान करके सोचता है तो ज्ञान आ जाएगा सब कुछ, जैसे ज्योतिष जैसे विज्ञानी की इधर करते हैं सब कुछ आ जाएगा। लेकिन ये जो ज्ञान है अध्यात्म का ये किसी अनुभवी की संगत करने से आएगा, और ये सबसे सुपरमोस्ट है। अगर आपको अध्यात्म का ज्ञान हो गया तो होगा क्या आप बताओ, क्या बन जाएगा वो? अब मैं कहता हूँ भाई मैं सदा तो नहीं रहता, लेकिन आधी टाइम जीवन मुक्त अवस्था में रहता हूँ, तो क्या बन गया कुछ? क्या चीज़ मिली? ये मेरी बेफिक्री, न मौत का डर है, न किसी चीज़ का डर है, न कोई ख्वाहिश है कि ये हो जाए, सब कुछ हो गया। कहने का मतलब ज्ञान होगा तो क्या होगा कि जितने दुख तकलीफ़ हैं होंगे नहीं, वो दुख होगा ही नहीं, वो उसी में मिल जाएगा जाके परमात्मा,
ने उसको कोई दुख है न कोई सुख है वो परे स्वर्गलोक है परे सुख मिलता वो भी है संत मत में संत मत जो बताता है यहाँ तक का साधन जो है बात है का स्वर्गलोक है जिसमें सुख ही सुख है दुख का कोई नाम ही नहीं हंस खेलते हैं आनंद लेते हैं ये है वो लिखा वाणियों के अंदर पर वो नहीं है अभी कलयुग के संतों ने मैं बात बोल रहा हूँ बताइए साहब कि मनुष्य ईश्वर अंश है मनुष्य के अंदर शक्ति है और मनुष्य बताता है कभी तो उस पत्थर के पास जाता है कभी दूर पानी के पास जाता है पूछता है ये करता है ये करता है और अज्ञान भूले फिरता है तो आप ईश्वर अंश हो आपके अंदर बड़ी बड़ी शक्ति है जिस तरफ जो विचार करोगे वही प्राप्त हो जाएगी ये हो रही है लोगों को जो भी करते विचार वही हो जाती है तो एक तो ये दुख था बताया मैंने अज्ञान का क्योंकि जो गलत सोचोगे तो गर्व कर्म बन जाएगा गुस्से से जो सोचोगे ईर्ष्या द्वेष से वो गलत होगा तो खात्मा करने की क्या बात है गुस्से का व्रत कर लो आज अरे छोटी सी बात है क्या गुस्सा आपने करना ही नहीं तो कमज़ोर तो आप हो गए नहीं कभी तंदुरुस्ती हो गए ज़्यादा बीपी व्यापी आप हो गई नहीं गुस्सा नहीं करती किसकी बीपी होगी किसकी तकलीफ होगी और दूसरी बात है कि आपकी लाइफ ही बदल जाएगी और घर में शांति होगी सबकी तो ये आपको और यही घर में सबको अगर मालूम गुस्सा नहीं करते बताया उनको स्वामी तुलसीदास जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना सुमति कहाँ जिनका गुस्सा नहीं है प्यार से देखते हैं बच्चे प्यार से मुस्कुरा के बात करते हैं बूढ़े प्यार से बात करते हैं जवान प्यार से बात करते हैं प्रेम से बोलते हैं सवारी से उनको ऐसी बात तो गुस्से का नाम नहीं है उस घर में संपत्ति रहेगी और जिसमें एक नाराज है दूसरा नाराज है हमारा रोज का ही काम है तो यह ज्ञान है सदनों और छोड़ने का तरीका आज ही व्रत कर लो कि गुस्सा नहीं करना बिल्कुल से और जो कोई ऐसी बात घर में देख अनबन है जिसे तो सत्य को मेरे जैसे का सत्य सुना देना मेरे मुँह से वही बात निकलेगी जो तकलीफ है तो इसलिए मैं ये सत्संग देने के लिए नहीं आया हूँ तो ऊँचा सत्संग देने के लिए आया था सेठों का सत्संग ऊँचा है राजे महाराजों को बड़े आदमियों का ऊँचा सत्संग है आप समझे कि नहीं गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन जो आज मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूँ ये राज ऋषियों ने जाना है राजे राज करके बाद में ऋषि बन जाते थे उनने सुना है तो मैं जो ज्ञान देना चाहता था वो आप सेठ लोगों ने सुना है जिन्हें खूब कमा रखा कमा के कोई कमाई नहीं काम क्या फर्स्ट क्लास सब कुछ ठीक चल रहा है और फिर उनको तकलीफ तकलीफ तो मेरे ज्ञान से दूर होगी आप ही और कोई बात है वो ठीक हो जाएगी मन का ख़त्म तो आप लोगों के लिए आप दे सकते हैं आम आदमी क्या देगा बेचारा आम बात है रोजी रोटी के लिए चलेगा तो इस ज्ञान को लेने के लिए कहीं जाना पड़ेगा ना केवल सत्संग और करना क्या है विचारों को बदलना है विचारों को शिव कर दो जितने विचार लोग का लोक है ऊपर तक रूप बनाते हो गुरु का पीर का देवी का आती है तो वो क्या चीज़ है आपको रूप बनाते हो कोई राम का बनाता है कोई देवी का बनाता है कोई मोहम्मद का बनाता है और लड़ते हैं आपस में वो है क्या वो आप में शक्ति है जिसने मोहम्मद को असाम रख दिया मोहम्मद आ जाएगा राम को रख दिया राम आ जाएगा देवी को रख दिया देवी आ जाएगा न राम आवे न मोहम्मद आवे क्यों मैं जीवता नहीं जाता हूँ जगह जगह मेरा रूप प्रकट होता है जो आस्था रखते और मैं कहीं जाता नहीं हूँ वो कहते आपने मेरी ये मदद करी ये मेरी ये मदद करी मेरे बाप को ही पता नहीं तो जब मैं जीवता नहीं जाता तो मैं कैसे मान लूँ कि देवी आई आपके अंदर या राम आ गया आपका गुरुजी आ गया गुरुजी बता नहीं सकते क्यों वो बंधे हुए हैं आश्रम में और बगैर आप बंधे आश्रम नहीं चलेगा वो अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन ये बात नहीं बता सकते कि वो मुक्त नहीं मैं तो जीवित मुक्त हूँ जीते मुक्ति अब मेरे को मस्त हूँ तो मैं आपको ये बात बताता हूँ कि आप में शक्ति है रूप जो प्रकट करते हो आप करते हो सदनों राम को आपने प्रकट किया देवी को आपने प्रकट किया गुरु को आपने प्रकट प्रसिद्ध कर देते हो कहीं मेरा ध्यान करते हो जाता आते मैं कहता हूँ भैया ऐसे ऐसे मत करना ये मैं नहीं आता हूँ तो बोले ना आप आते हो कहते कैसे नहीं आते हो बताऊ झगड़ू हैं हट्टी पर गुरु पीर कुछ नहीं जानते गुरु कहे कि गुरु जो कहीं सो हितकर जान गुरु जो कहीं सो चित्त उसकी बात को पकड़ो कि वो आपके लिए क्या कहते वो तो पकड़ते नहीं बोले ना जी आप आते हो आप बताते लोगों को फिर ऐसे आदमी को मैं कहता हूँ कान में कहता हूँ अच्छा ऐसे करना तेरा तो सब काम कर दूंगा पर दूसरे को नहीं बताएगा किसी को दूसरे को बता देगा मैं तेरा काम नहीं करूँगा क्यों कि मैं नहीं चाहता प्रचार करे झूठा वो तो अज्ञानी है मानता नहीं हट्टा है और समय आएगा उसके बाद उसको ज्ञान हो जाएगा फिर बाद में ठीक होगी तो आपको दूसरा ये है कि आप ईश्वर से ईश्वर को परमेश्वर को देवी को गुरु को आप प्रकट करते हैं यहाँ ध्यान से बस शक्ति आप में है यानी जितनी शक्ति आप देवी के सहारे देते हो कि देवी मैया करेगी राम करेगा प्रश्न करेगा वो ठीक है आपका सहारा जैसे लो कोई बात नहीं उसको पूर्ण मानो जो वो आपकी मान्यता है यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है विश्वव्यापी सत्य नहीं है विश्वव्यापी सत्य वो मनुष्य में ताकत है किसी देवी में किसी राम में कृष्ण में नहीं है पर जो आस्था रखते हैं उनको मानो उसको पर पूरा मानो ये मत मानो कि वो उसका लड़का ही है उसको वो मानो अकय अपार अगाध अनामी वो परमात्मा मानो को सब कुछ करने वाला है इसका कोई भेदभाव था अगर किसी आदमी को मानते हो गुरु तो ऐसा मानो आप
और आपका काम उसको कुछ पूछने की जरूरत नहीं, जाओ दर्शन करो और सोचो मेरा काम बस ठीक हो गया, दर्शन कर लिया आ जाओ, कोई पूछने की जरूरत नहीं, आप सोचो कि भाई हो जाएगी। तो क्या वो गुरु जी करेंगे? वो नहीं, पता ही नहीं उनको, वो आपकी शक्ति है, आपकी आस्था, आपका विश्वास है, विश्वासम प्रदायकम। आई क्या समझ बात? तो मैं जो बात आपको कह रहा हूँ कि वो नहीं सोचते तो कोई बात नहीं, मेरा अनुभव भाई ये वो बात बताता हूँ, प्रमाण के साथ बताता हूँ। तो आप देख लो, मैं अलग सत्संग दे रहा हूँ, आज जो सत्संग दे रहा हूँ ये सत्संग नहीं तो अभी बोला जा रहा है, न किसी किताब में इस तरह साफ लिखा है कि आप ईश्वर अंश हैं, आप में सब शक्ति है, सब कुछ कर सकते हो, सैन बन में सबने कहा है, अभी भी करें। इसलिए मेरे को ये पल्ले पड़ा, गुरु जी ने कहा था ये सच्चाई बता देना, तो उन्होंने तो यह कहा बड़े बड़े आदमियों को बता देना, ताकि ठीक है बड़े आदमी को मेरे को कैसे सुने मेरी बात। तो मैंने बड़े आदमियों को आगे कर दिया, वो बात समझा दी उनको, आगे जज 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 को कर दिया आप काम करो, डॉक्टर है तो डॉक्टर को कर दिया, अब ये सेठ साहूकार हैं तो इनको बता दिया मैं कि आप लोग वही करो बात, मैं सत्संग दे देता हूँ, सब आपके घर में शांति हो जाएगी, कोई तरह के कड़े कलेश रहेगा नहीं आपका, क्यों आप सुनोगे, आपके बच्चे सुनेंगे और मैडम सुनेगी तो घर में शांति आ जाएगी। सत्संग ये खास विशेष चीज़ है। तो सुनो, अज्ञान का दुख है और इसको आपको कोई दुख नहीं, ईश्वरीय गुण है आपने, ईश्वर किस कर सोचता वही होता, सोच कर कल्पना पूरा बढ़ा देता लोक लोकांतर सबका सब, और आप जो सोचते हो वो कर लेते हो, आपका जो निर्माणकारी है सब मनुष्य का सोच का है। यहाँ किसी को परमात्मा को देखा वाइजाद बनाते हुए चलाते हुए, वो सब वो वही है, सब केंद्र वो है और वो काम करता है, आगे समझ में। तो ये बात तो मैंने बोली है, अगर आपको जचेगी तो ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, बात तो मेरे पास बहुत है बतानी है, और अलग बात सब बता नहीं सकता ना भी। दूसरा बात यह है कि ये जो पुस्तकों में लिखी है सच्चाई जो उन्होंने बोला है वो ले लेना, ये वो पुस्तक नहीं रामायण गीता महाभारत या नावल नहीं है, ये कथा नहीं है, ये घटना घटी हुई वो है, आप देखो कि आपके साथ घटती है घटना, इलाज की बताया इलाज ये, आप समझे, बच्चे के लिए भी है, बहू के लिए भी है, बेटी के लिए क्या है, बेटी संतान जैसी चाहे पैदा कर ले, भूखो बाद में फिर होती फिरेंगी, जैसे चाहेंगी वैसे संतान आ जाएगी, तो संतान पैदा करती है, प्रभु ऐसी संतान दे जो मुझे सुख दे, मेरे परिवार को सुख दे, मेरी सेवा करे, परिवार की सेवा करे, और मनुष्य जाति सभी दुखी है सबकी सेवा करे, इतनी डिमांड है वहाँ की, मनुष्य जाति को एक आदमी तो नहीं कर सकता, वो परमात्मा ही कर सकता है, तो कोई ऐसा प्रॉफिट बन के आ जाएगा, अवतार बन के ज्ञान देता जाएगा, जैसे माँ सोचती है वैसे बन जाता, माँओं की ताकत, ये जितने बड़े बड़े आदमी पैदा करें माँओं ने करें, बेटियों ने करें, जैसे लड़ाई झगड़ा था अंग्रेजा का राज था दबाते थे और उनके लिए भगत सिंह होया, वो दूसरे हुए जो बड़े बड़े हुए हैं वो उन्होंने करें, सुभाष चंद्र बोस होया, माँओं ने करे ऐसे बड़ी पैदा तो कुर्बानी करी देश को आज़ाद करा दिया। तो बेटियों के लिए वो उसमें सब ज्ञान है, पर पढ़ना आप ले जाओ पूरी सेट ले जाओ तो पूरी ले जाना, 17 की सेट है फिर को कस नहीं, जिसके पास टाइम नहीं तो कोई बात नहीं, और पूरी ले जाओ तो पूरा घर पड़ेगा, बेटी पढ़े भाई पढ़े सब पढ़े सबके काम की, और आपको अच्छी लगे है पुस्तक तब आगे दूसरे को बता देना, आपने नियर और डियर को भतीजे भांजे जो कुछ आपके हैं रिश्तेदार उनको जो चाहते हो वो धर्म पढ़ा पढ़े उसको बता दो, धर्म के विषय में कोई शंका नहीं रह सकती, ये पुस्तक पढ़ने के बाद मेरे सत्य 5-7 सुनने के बाद में शंका नहीं रह सकती आपको कोई भी। तो आज मैंने आपको बताया कि आप में ईश्वरीय शक्ति है, जबरदस्त शक्ति है, घटिया विचारों से दुख आता है, जो ईर्ष्या द्वेष नफरत का वो तो घटिया है, और जो खुशी का है प्रेम का सहायता का दया का क्षमा का, उस विचार से आपके अनुकूल होगी, मन के अनुकूल घटना घटेगी। अब करना आपके काम है, अभी आप तैयार करो, ज़्यादा नहीं बोलता, बात बहुत बतानी है पर वो आज नहीं बता सकता इतने में, ये किताब साथ आपको प्रमाण की मिलेंगी, पूरी सेट ले जाते पूरी सेट ले जाओ, मैं नहीं दे रहा हूँ सेठ, मेरा तो घर का आंगड़ा है, ए सेठ बैठे हाँ सेठान कह सेठान से साथ साथ ज्ञान दो तो कराओ मैं सत्संग, मेरे को लाओ उधर से ज्ञान दो उधर, क्यों मेरे को तो जरूरत थी, मेरे को तो इतनी पेंशन मिलती है मैं खा ही नहीं सकता, 10 आदमी को और खिला सकता हूँ, और अब मैं थोड़ा सा खाता हूँ, एक फुल्का सुबह खाता हूँ शाम को खाता हूँ, और एक प्याला दूध का पीता हूँ 200 ग्राम, पर वो इसके लिए काम तो अनिश्चय करा रहा हूँ, ये करें इनकी तरफ से, मगर कुछ सुख चाहते हो तो आपके नियर डियर को प्यारों को बुलाओ, अपने प्यारों को अच्छे आदमी को बुलाओ और उनको ये ज्ञान देना, तो ये पुस्तक लें, इसके साथ एक कैलेंडर भी है, वो कैलेंडर जीवन सूत्र हैं, अगर कोई समझदार आदमी वो जीवन सूत्र पढ़ कर उसके मुताबिक अपनी रहनी बढ़ा देगा तो उस किताबों का सार आ जाता, जो बहुत ही विद्वान आदमी है वो सार देखता तो कैलेंडर पढ़ो और कैलेंडर को देख लो गौर से, बस सब कुछ लिख दिया जो कुछ किताबों में लिखा वो इसमें, यह कर लेना। इसके अलावा कोई बात शंका रह जाए तो डॉक्टर कमला जी का भी इसके अंदर नंबर है, पराकथन में पहले
इसका नंबर टेलीफोन नंबर सब कुछ है, उसको फोन करिए तो पूछ सकते हो, और मेरे भी नंबर हैं, मेरे को पूछ सकते हो, और बेटियां जो कमला को पूछो कोई बात नहीं, घर के में शांति आ जाएगी आपको, इससे दुखी नहीं रहेंगे। क्यों ईश्वरन सो आपके घर में दुख का क्या कारण? अज्ञान का दुख है। तो अज्ञान दूर करने के लिए चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लाइए। सतगुरु की हाट पर ज्ञान और बुद्धि मिलती है, हाट वाली दुकान को कहते हैं, इस सत्संग का नाम है हाट। तो सतगुरु के पास सत्संग में जा करके ज्ञान और बुद्धि ले जाओ आप। एक तो ये बात है, दूसरी बात क्या है कि इस चीज का जो आप आए हैं खास मिशन दे के आए, खास काम करना है वो करो। और अभी आपको पता है कि सबसे ऊपर ज्ञान ये है कि अगर अपने आप को जान लो तो सब ज्ञान उसके नीचे आ जाएंगे। आपने आपको जान लिया तो बस कुछ नहीं, और आप जान सकते हो। इधर जानने का तरीका क्या है वो बताया योग से, कलयुग के संतों ने बताया अभी, कि कथा छोड़ो, कथा बहुत है, पहले पहली क्लास है वो कथा, पहली पढ़ना चाहिए, नहीं पहली पढ़ोगे तो आगे क्या पढ़ोगे, पर वो पहली क्लास है। कथा सुनते हो धीरा जी तो फिर आ जाते हो, फिर भूल जाते हो, ये भूलोगे नहीं, ये जो समझ आ जाएगी तो अपने आपको फिर भूलोगे नहीं, याद रहता रहेगा, समझेगे आप, पास रहेगा आपको, चलते फिरते खाते पीते। तो वो जो उसके लिए क्या है, अभी विचारों को बदल दो, पहले या दुनिया बढ़ा दो, अगर दुनिया में कोई कमी है तो उसकी इच्छा करो, इच्छा करने का तरीका अगर बढ़ानी है तो इधर ध्यान करना है, टिक्की लगाती हो आप बेटियां इधर, इसको शस्त्राकार कहते हैं, हजार पखड़ी वाला फूल, तो फूल तो कोई नहीं है इधर, मन है आपका, तो जैसे मन पर इंप्रेशन सजेशन पड़े वो आएगा, आप इच्छा होगी ऐसा हो जैसे। और जब ध्यान बढ़ने की विधि क्या है पहचान, ध्यान बढ़ गया तो पीले रंग का प्रकाश आ जाएगा और अंदर से टर्न टर्न जैसे मंदिर में जाते हैं घंटी बजाते हैं ना, घंटी बजाएगी, ध्यान बढ़ गया जबरदस्त। अब क्या आ गया आपका, सोचोगे वैसे हो जाएगा, अगर पति का बुरा चाहोगे तो नुकसान हो सकता है, रह भी नहीं सकते भी, हो ज़्यादा नफरत होगी चले जाएंगे इधर से, बच्चे का होगा तो हो जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा क्रोध सोचोगे तो नुकसान हो जाएगा, क्यों दोनों काम का दोनों दुआरी तलवार है, इधर पड़ती तो अपने को उधर पड़ती दूसरे को। तो अगर ज्ञान आपको हो गया, ध्यान बन गया तो अच्छा अच्छा सोचो, वो जल्दी हो जाएगा आपका, मेरी कोठी अच्छी बन जाए, या मेरे पास इतनी दुकान हो जाए, या इतना ये हो जाए, या मैं ऊँचा नंबर मेरे पास बहुत रख धन हो जाए, ये सब जो सोचोगा वही बन जाएगा, आपके सोच में सकती है। राजनीति का तो राजनीति में तरक्की करो, टेक्निकल हो टेक्निक में करो, हर चीज़ में तरक्की कर सकते हो। तो दूसरा काम आपको बताया कि इधर आने के बाद मनुष्य इस दुनिया की कोई चीज़ का अभाव है, इच्छा करे और उसकी इच्छा होती है पूरी, नोविंगली और अननोविंगली जब ध्यान बढ़ता है, इधर सोचते रहते हैं ना बार बार, तो वो चीज़ मिल जाएगी। ये तो श्लोक की चीज़ है, आगे जाने की जरूरत है, दुकान मकान हार्ट वेरी संतान। और अगर ज्ञान चाहते हो तो ये माथे के बीच में जगह है, इसको ओंकार कहा गया है, कोई तो ओंकार कहते हैं, कोई त्रिकुटी कहते हैं, कोई ओम कह देते हैं, माथे के बीच का ध्यान तो टीका। इस जगह जब आपका ध्यान इकट्ठा हो जाएगा तो जो ज्ञान आप चाहते हो इस लोक का वाहे लोक का वो आपके सामने आ जाएगा, समझे कि नहीं, जो चाहते हो वो सामने आ जाएगा आपके। जैसे आप कुछ चाहते हो किसी को, एक छोटी बात समझो दुनिया की, किसी का बच्चा या आदमी घूम गया, एक मैं गया था लोथल गांव है, उसमें एक घर का कोई आदमी था जो जयपुर ले गए थे, मेंट का दिमाग की खराबी थी और वो वहाँ से निकल गया लापता है 3 साल से। अब लोथला ने मेरा नाम सुना था, बोल जाएगा अच्छा ऐसे सारी लोग बढ़ाई करी, तो उन्होंने सोचा ऐसे आदमी बताता हूँ, उन्हें सत्य करा दिया, मेरा पैसे लगाए खूब जो किताबें बांटी, और बाद में कहने लगे वो जो उनके दर्द था वो बताया, सत्संग के लिए नहीं था, उनका मामला और था। वो कहने लगे जी ऐसे ऐसे हमारा एक आदमी चला गया 2 साल से घूम गया, हो गया। मैं बोला भाई वो तो मैं तो कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं इधर नीचे नहीं आ सकता अभी, मैं सीधियाँ सीधियाँ नहीं आ सकता। तो फिर मैं डॉक्टर कमला को बोला कि ये तरीका ऐसे कर लो, तरीका बताया, क्या तरीका बताया, कि इनमें जो भी कोई दुख करता है ज़्यादा उसके नाम से आंसू आ जाते हैं, उसको तू बता यहाँ ध्यान करें, ये चीज़ करो यहाँ ध्यान करके, और उसकी शक्ल सामने देके, और कि हम बहुत दुखी हैं आप आ जाओ, मैं बहुत दुखी आ जाओ, ऐसे करें, इसने बताया। इसे मैंने कहा इसने बताया वो ऐसे बता दो, इसने ऐसे बताया, और वो कोई 2-1 महीने के बाद आ गया। फिर उनका एक फोन आया, बोला जी आप इधर आ जाओ इधर से, क्यों? बोले बहरा आदमी आ गया, मेरे बाप को पता नहीं। और मैं समझा मन का मंडल की बात ही होगी, वो उसने चार कराया और माँ थी रोक की इच्छा करी वो पूरी होगी। तो इस श्लोक का मिल जाएगा, और ऊंचे लोग कुंजी जाना चाहते हो, जितना किताब लिखी है गीता रामायण महाभारत, वो एकाग्रता इधर होगी और लिखता गया, छंद अलंकार याद आता, समझ गया बात। और विज्ञान जो अभी वैज्ञानिक जो नई नई चीज़ रहते हैं वो सब यहाँ ध्यान करते हैं, इधर ध्यान करके इच्छा लेके बैठ जाते हैं। इधर 3 ही चीज़ है उनके पास, इष्ट नहीं बढ़ाते वो, दाता ध्यान और देह, 3 चीज़ खुद और ध्यान किस चीज़ का कर रहा है, और देह क्या है, वो इच्छा करता कि
टेलीफोन के बात करते हैं तो उस फोटो कैसे आई, फोटो कैसे आई, तो ये विचार करते 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 नोइंगली और अननोइंगली जब किसी का यहाँ दान टिका, कहीं तो मर गए दान करते करते, क्योंकि इसमें चरित्र की जरूरत है, ब्रह्मचर्य की शक्ति हो शारीरिक मानसिक, तब ये दान बनता नहीं, बनता नहीं। अर्जुन का वह तो था नहीं, वो कह रहा है कि दिमाग खराब होगा, कोई बीमार होगा, कुछ लगा सब, और जिसका बन गया उसने बताया ऐसे कर लो, उन्हें कराया वो फोटो आ जाती है आजकल। अभी टेक्नोलॉजी में देख लो नई फोटो आ रही है। अब बात करते हुए तो यूके में एक डॉक्टर है जो मनोज जी को कहता है भाई मैं सामने देख के कैप्टन साहब मेरे सामने सत्संग दी मैं सुनूंगा शेयर करूँगा, सुबह का सत्संग देता हूँ तो वो सामने आ जाता है डॉक्टर साहब, वो टेक्नोलॉजी है, अब वैज्ञानिकों ने पता करिए वो ये दबा देता है इधर से वो दबा की और सामने मेरे से बात आता मैं सत्संग देता रहता हूँ, ये इधर वाले भी सुनते रहे वो भी सुनता रहता है। तो ये टेक्नोलॉजी कहाँ से, मनुष्य में शक्ति को जो चाहता है बेटी, और जो डॉक्टर है बहुत अच्छा, और डॉक्टर अच्छा है और विचार करता है मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ, तो एक जैसे इकट्ठा हो जाएगा इधर मन तो उसको नई सोच सूझेगी, और रोग के बारे में नई सोच सूझेगी, जो मन लगाता है कर्मयोगी है और ईमानदारी से काम करता है वो ठीक होता है। डॉक्टरों को सत्संग देता हूँ, डॉक्टर साहब आप जिंदा करते हो दूसरे परमात्मा हो, नेक्स्ट गॉड हो ऐसे, फिर एक बात है डॉक्टर साहब, क्या आपका तकलीफ कहाँ होगी, क्या आदमी को है तो जुकाम छी छी छींकता है, और कोई सेठ साहूकार है देखते हो पैसे वाला पॉकेट देखते हो उसका ढंग देख रहे, तो सोचते हो मशीनें मंगाई हैं 10,000 सेठांग रुपया लगा देता हूँ, ये टेस्ट कराओ ये टेस्ट कराओ, पता है आपको कि जुकाम है और 200 रुपये दवाई दिन ठीक हो जाता, जानबूझ करके आपका 10,000 रुपया लगाते हो, उसके लिए अगली टाइम पर आप डॉक्टर नहीं बढ़ोगे छाते या तो कुत्ता बढ़ोगे पावला खाज करोगे और या को लंगड़ा लूला बन के जाओगे, क्योंकि आप धोखा दे रहे हो। साफ बताता हूँ ना कि उनको उनको सत्संग कराना, तो उन्होंने बात बतानी है मैंने, वो नहीं क्यों बतानी, वकीलों को रहता हूँ वकीलों वाली बात बतानी है मैंने, तो मैंने वो बात आपको बतानी कि मनुष्य में शक्ति है और बड़ी ज़बरदस्त है। इस लोक को जो सुंदर बन जाए आपका सब कुछ हो गया, आप सेटिस्फाई, कोई पैसे कमी नहीं, सब कुछ सब आपके पास है, और फिर आप सोचते हैं कि लोग तो भाई तकलीफ तो रहती है लोग में, इस लोक में सुखी तो कोई नहीं। गुरु नानक देव ने कहा तंदर सुखिया, कबीर ने कहा तंदर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय की बात कह तू सबका किया विवेका हो, घाटे बाधे सब कोई दुखिया, क्या गिर ही बैरागी, वो लंबा शब्द है कि सभी दुखी थोड़ा थोड़ा। फिर आखिर वो कहते कहें कबीर सुनो भाई साधो, संत सुखी मन जीता हो। अब संत संत कौन है, जिसने अपना रूप जान लिया है बोलने वाला क्यार कहाँ आया, और जानना आप में जानना चाहते हो क्यों, आप साहूकार हो सब कुछ है, अगर आपकी इच्छा है तो आप इच्छा बना लो पहुँच जाओगे वहाँ पर, पहुँचने के सफर में ज़्यादा समय नहीं बिताते, तीन जन्म, एक जन्म गुरु भक्ति कर ज्ञान लो, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पुत्र, चौथे में निधाम, वो चारों मिल जाएंगे। तो आज आपको बताया इसके आगे जाना है तो तरीका ये है, ये तो दुनिया की चीज़ मिल जाएगी यहाँ ध्यान करने से, और इसके ब्रह्मचर्य की जरूरत है अभी, अगर ब्रह्मचर्य का साधन नहीं तो शर्म दर्द करने लग जाएगा और बैलेंस बिगड़ जाएगा शरीर का, शरीर का मानसिक दोनों होने चाहिए, मानसिक में फोटुओं की तरफ नाच गानों की तरफ दिलचस्पी बनती है तो गिर जाएगा आपका ब्रह्मचर्य, आप समझते हो ना, तो ब्रह्मचारी है इसके लिए ताकि जरूरत है संतान पैदा करो, एक करो दो करो तीन करो, संतान की जरूरत नहीं है, स्वाद के लिए ग्रस्मत होगो, स्वाद के लिए अगर करना है तो इधर आ जाओ, यहाँ इधर ध्यान करो, सफ़ेद रंग का प्रकाश है चांद जैसी चांदनी मस्ती आएगी, देखो नशा रहेगा सारे दिन, कोई चिंता फिक्र नहीं हो। गुरु नानक देव कहते हैं रात पी नानका उतर गई प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, वो नाम कुमारी आपके अंदर इधर ध्यान करने से आ जाएगी, मस्ती खुशी रहेगी आपके अंदर, वो नशा करना, और वो आप अमर सदा के लिए होना चाहते हो तो फिर आगे चलो, आगे सफ़ेद रंग का प्रकाश है उसको सोहम सोम का शब्द है, और सफ़ेद रंग का प्रकाश है गुड़ा गजब का है। अब डॉक्टर कमला जी कह रहे थे कि उसका बयान नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, अनुभव करती है वो ठहरता नहीं, वो ज़्यादा ठहरता नहीं है, चाहती है मैं इसके साथ रुक जाऊँ, बहुत काम की चीज़ है। तो वो सफ़ेद रंग का प्रकाश आपके अंदर है, ब्रह्मचर्य पालन करिए ध्यान करोगे तो इस जैसा स्वाद कोई दुनिया की चीज़ में नहीं है, किसी चीज़ में। किसी ने पूछा पंजाबी ने कि कोई साधन करने वाला था कि शादी रबदा नाम किस तरह का है, बोला बड़ा मीठा, बोले कैसे, बोला शक्कर खांड दबात गुड़ मक्खियाँ मुद्दा दूध सभ्य वस्तु मिठिया रब ने पूजा तुझ, सब कुछ मीठा राम के नाम के बराबर कोई नहीं, तो इसके बयान नहीं हो सकता, इतना आनंद है वो आपके अंदर है अगर आनंद लेना तो। और अगर आपसे ये आनंद दे दिया आगे थोड़ा चले गए तो सतलोक आ गया स्वर्ग, जैसे जहाँ पर जो लीला देखोगे हंस बैठे हैं, वो बैठे के आदमी नहीं शक्ल नहीं है, छोटी छोटी प्रकाश के जैसे मक्खी होती तिथि हैं और वो अंधेरे और प्रकाश का, और उसमें जो आनंद है नई नई कला करते हैं, सुख ही सुख है वहाँ, दुख का नाम ही है। शुरू कहते हैं कि शुरू की नरक, तो घटिया कामों से तो शुरू, अच्छा कामों से तो शुरू तो पहुँच जाओगे और घटिया नरक में चले जाओगे,
दुख तो एक यहीं पर सुर्ग नरक, जब आप खुशी हैं घर के अंदर सब सुर्ग में, और जब कूड़े बैठे हो रूसे बैठे हो नरक में, कूड़े बैठे हो चिंता में बैठे हो ये न हो जाए ये न हो जाए नरक में। तो ये बात आपको यहाँ पर है और इसके बाद यही बात साधन में है और यही बात प्रैक्टिकल है। फिर पर आगे कर गायक हो आप सदा अमर होने के लिए मुक्त होना चाहते हो तो फिर इसको छोड़ना पड़ेगा आपको। वो जो आपको गाइड कर रहा है कोई अनुभवी आदमी बताएगा कि तो आनंद नहीं ले रहे हो, जगह ना आनंद नहीं आएगा जगह गड़बड़ हो जाएगी। तो घर आपका आगे है जहाँ से आए हो, तो वो आगे जब ध्यान करेगा तो ये बच्चा का ताड़वा टिप टिप करता है ना, इसका संतुलन नाव अलख दिया है, अलख निरंजन अलख निरंजन, यानी उसको देखो जो नहीं देखने वाली चीज़ है, क्योंकि उसका देखा नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता, अनुभव कर सकते हो अंदर अनुभव कर सकते हो। क्यों यहाँ की इच्छा करी छोड़ के इधर आगे तो यहाँ पर ये इधर से फिर सुरत अपनी जो बोलने वाली चीज़ इसको सुरत क्या संतुलन, पहले तो आत्मा तक ही थी रामायण गीता में, कलियुग का संतुलन क्या आत्मा से आगे एक और चीज़ है जिसका सुरत कहते हैं या होश कह दे चेतनता कह देते, वो आपके अंदर वो है आगे, वो करती है आत्मा को वो अनुभव करती है। तो वो आपके अंदर यहाँ से चलते चलते और वो सुनते सुनते वो मीठी आवाज़ सुनती सुनते वो राम नाम का जो राम नाम की धुन है सुनते 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 चोटी के पास जब पहुँचेगी तो नहीं तो वो धुन रहेगी ना आप लोगे ये सब खत्म। जैसे आप गहरी नींद में जाते हो सब ख्याल व्याल खत्म दुख सुख, तो उस परमात्मा से मिल जाओगा तो न कोई दुख है न कोई सुख है वो सोचता मुझे, और फिर प्रारब्ध कर्म के अनुसार फिर चेत होश आएगा फिर ये काम करोगे। तो आपको बाहर का गुरु सत्संग कराएगा कि तुमने अनुभव तो कर लिया है पर तेरा प्रारब्ध कर्म कुछ बाकी है, जब तक वो नहीं देना देना हो जाएगा पूरा इतना नहीं जाएगा आता जाता रहेगा तो तू जीवित मुक्त है अभी तो कैसे रखे तेरी दृष्टि आपने कि स्वाय परमात्मा की कुछ नहीं है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तो है, कुत्ते में तू है बिल्ली में तू है कीड़ी में तू हाथी में सब में तू है। तो बाहर जब देखते तो विट्टे सुन के देखते रहो कि सब खेल है, जब चोर चोरी गिरी भाजा जा रहा है पकड़ दो पकड़ो तो आप बोलते हो चोर थोड़ा ही परमात्मा ड्रामा कर रहा है चोर का, और फिर पुरुष पकड़ो पकड़ो बोले पुरुष क्या वो परमात्मा ही पकड़ने का ड्रामा कर रहा है सब वही कर रहा है कुछ, मतलब जो कुछ कर रहा है उसके सिवा कुछ है ही नहीं। कि एक को ब्रह्म दूते नास्ती हिंदुओं का वो ब्रह्म एक ही है और को नासमान है, और मुसलमानों का ला इला इल्लल्लाह अल्लाह के सिवा कुछ नहीं है। तो आपकी दृष्टि मुक्त होने के बाद ये हो जाएगी, जीवते रहोगे दुकान का काम कर रहे हो सौदा कर रहे हो डॉक्टर हो डॉक्टरी कर रहे हो और वो अवस्था बनी रहती जो देखते हो उसका खेल है सब सब कुछ होता है। जीते आप मुक्त हो जाओगे, जब शरीर छोड़ोगे उस वक्त क्या होगा कि वो सुनते सुनते पूछते में गायब हो जाओगे दोबारा नहीं आओगे जन्म लेंगे, ये कोर्स है ये आपके अंदर है। अगर आपकी ये अवस्था है ये इच्छा करोगे तो इच्छा करोगे तो मिल जाएगा, आज नहीं तो कल कल नहीं परसों, जिस चीज़ की आप सत्य में इच्छा रखोगे पूछोगे। जब चल पड़े हो मैं गांव से चल पड़ा तो दिल्ली पहुँच गया, और इधर दिल्ली से चलूँगा अभी तो गांव पहुँच जाऊँगा, चल पड़े हो इस तरफ इच्छा कर ली तो वह पूरी आपकी होती रहेगी। पर स्ट्रांग डिज़ायर नहीं तो पहले इधर का झमेला ठीक कर लो, इधर सुख शांति की जिंदगी होगी तब तो आगे जाको दर्शन इत वाको दर्शन उत, जाको दर्शन इत नहीं वाको इत उत, जो यहाँ सुखी है वो वहाँ भी सुखी है। गुरु नानक देव कहता घर सुख बसिया तो बाहर सुख पाया, कह नानक गुरु मंत्र दिला। तो सजनों ये जो ज्ञान है ये आपके अंदर है, और मेरा अनुभव यह है कि वो आप में ईश्वर अज्ञान के कारण भटकते फिर रहे हो, कदे उस तीर्थ में जाते हो कदे उस पिकनिक में आते फिर रहे हो, और जो देखो वो संस्कार लाते हो, जो देखा सुना वो संस्कार जम जाएंगे, वो अब सुपने में आएंगे साधन में आएंगे घटिया बढ़िया दोनों। तो संस्कार फिर लोगे नहीं, जब इस जीवित मुक्त हो जाओगे तो बाहर के संस्कार लोगे नहीं, जब रूहानियत में चल जाओगे प्रकाश में तो सब खत्म हो जाता है, कोई विचार आएगा नहीं वहाँ, कोई विचार ही नहीं। मन के मंडल पर होगा जितना रूप रंग देखोगा अंदर, गुरु का रूप देखोगा इष्ट का देखोगा रामायण मंदिर गुरुद्वारे देखोगा तब तक मन के मंडल पर हो ठीक है ना। और सत्य जो स्वर्ग है वो भी सत्यलोक का अंश है, क्यों सुख सुख है वो सुख ही समझते हैं आनंद लेते हैं आप, तो वो भी उस सुख का हिस्सा है थोड़ा सा स्वर्ग जो आखिरी बताते हैं, तो इससे सुर्ग से आगे जो अवस्था है वो उसका रूप बन जाओगे, समझे नहीं बात। सुर्ग का भी तो सुख है, तो सुख है तो तुमने सुख तो देते रहे उन्हें तो वहाँ कुछ लेना है ही नहीं, कोई विचार ही नहीं कोई बात ही नहीं कोई सुख नहीं दुख नहीं, उस अवस्था में चले जाओगे। रोज होती है आपके साथ, रात को सो जाते हो थक करके बड़े परेशान हो और गहरी नींद में चले गए खत्म सब दुख दर्द दूर, और फिर इधर आए और फिर वो तेते पते आइए समझें, ये रोज़ की बात है, एक सिर बताई नहीं इस तरह से, मैं तो बता रहा हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है, ज़्यादा विद्वान नहीं, विद्वान होता तो कोई अलंकार लगा के बताता सुंदर बताऊँ, मेरे को ज़्यादा अकल नहीं आती, मैं बताया आप रोज़ाना जाते हो ना नींद के अंदर कुछ होता है कि नहीं, तो वही आपकी हालत हो जाएगी, और जिससे मुक्त होगा वो नींद की तरह सदा के लिए वहीं ले जाओगे फिर धीरे जाओगे
परमात्मा का रूप बन जाओगा। यानी आप ही स्वयं स्व अगर परमात्मा समुद्र है तो आप बूंद हैं, अगर परमात्मा प्रकाश प्रकाश है तो आप किरण हैं, समझे कि नहीं। पर वो न तो प्रकाश है न कुछ और है, वो अकई है, उसके न कोई शकल है न कोई सूरत है न कोई नाम है, सब नाम उसके, वो आपके अंदर है। आप अनामी, आपके अंदर तत्व है जो काम करा रहा है वो अनामी है, उसके आगे मन वगैरह काम करते हैं, मन वगैरह बुद्धि वगैरह काम करती रहती है, आगे समझ। तो आज का सत्संग मैंने आपको ये दिया कि अगर आप विचारों को करके श्लोक को सुरख बना दो, घर में शांति करो, घर में वो की बुराई करता है, बेटी आती दूसरे घरों से, माँ का संस्कार और हैं, सास का और हैं, अरे ये बात समझ जाए तो मिल जुल के एडजस्ट हो जाओ, जिंदगी है क्या, जिंदगी में एडजस्ट हो जाओ। अगर आपको ज्ञान होगा तो समझ जाएंगे कि भू आगे ज़्यादा तरतर पड़ कर रही है, कोई दुख दे रही है कोई बात का, तो समझे भू नहीं है या कोई पिछले जन्म का मैंने दुख दिया, वो दुख देने के लिए आई है, तो सह लेती हूँ। हाँ बेटा और कह दो, नरम और बन जाओ ज़्यादा, क्योंकि चारा तो कोई है नहीं, अगर बताओगे तो आपकी बेइज्जती कि मेरी भूखे ये काम करती है, ये काम करती है, बेटा ये करता है, तो उसको सह लो, कभी पिछले जन्म में मैंने इसको दुख दिया, मेरे को दुख देने के लिए आ गया, सुख दिया सुख देने के लिए, एडजस्ट हो जाओ, टू बी एडजस्ट इन लाइफ। तो ये आप ज्ञान से हो सकते हो और सब बुद्धिमान आदमी हो। तो मैंने जो जहाँ तक बताई बात और बहुत है मेरे पास में, इतनी ज़्यादा से ज़्यादा, वो कभी फिर आता हूँ फिर करना। अभी मैं एक पुस्तक दिवाऊँगा, ये पुस्तक लेके घर में रखना मत, रख दोगे तो आपके घर में तकलीफ हो जाएगी, क्यों, ज्ञान परमात्मा ने भेजा, मैं तो कोई लाया नहीं, ना आपने मांगा है परमात्मा ने, आपने बैठे घर बैठे दिया है ज्ञान पढ़ने के लिए। अगर वो ना कदरी करोगे तो फिर देख लो, वो आप पढ़ना, पढ़ के आपको अच्छी नहीं लगे तो उल्टी वापस दे देना या आगे दे देना, आप समझे कि नहीं, दूसरे दे देना। ये किताब जो है रेयर है, इस तरह दिखता नहीं है कोई, जो घर की बात रोज की तकलीफ वबा है, और वह तकलीफ क्यों है, विचार से, एक विचार से, तो विचार को सुंदर कर लो। तो एक किताब के दे रहा हूँ मैं, 17 पुस्तक हैं इसके अंदर, एक किसी को एक आएगी, किसी दो आएगी, सबके लिए अलग अलग सब कुछ, और 17 जिसको पूरी देनी है वो पूरी सेट बाद में ले जाना, ये दे देते हैं इधर से ले जाना, फिर 17 जो पूरी पढ़ना चाहता है, क्यों परिवार है तो कोई कुछ पढ़ेगा कोई कुछ पढ़ेगा, घर बैठेगा बोलना।